हाँ दीदे बोला मतलब बड़ा भाई बहन, भाई बैजी बोला ऐसा। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9, एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ पे देखिए, लगला बता रहा था ना मैं कल, यहाँ पे एक लमेंडी देखा था मैंने, कहाँ पे लगी थी ये देखिए, यहाँ पे एक लमेंडी लगी, ये देखिए कितनी छोटी लमेंडी है, बोलते हैं लमेंडी। एंड आज जो है इस तरह का वेदर है, ठीक है। अभी जो है इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कोयड़ा, एंड मम्मी जी है अंदर। तो ये जो है ना फॉग, इस तरह का फॉग लगा है चारों तरफ। तो चलिए मम्मी जी अंदर है, तो मम्मी जी से मिला देता हूँ आपको मैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये जो बैठने के लिए सीट एयर है ना, इसको बोलते हैं, ये देखिए ये जो इस तरह से, इसको बोलते हैं चाजू। यहाँ से लेके भी है और यहाँ से लेके भी है। और मम्मी जी अंदर खाना के, जो खाने के नीचे लकड़ी लगाते हैं उसको बोलते हैं झाल, लगा रही है, मैंने लगाया था। तो मम्मी जी इधर, हाँ मम्मी जी, आज जो हम एक इधर देखो ना, इधर देखो ना, आपके फैंस लोगों को हाय बोलो पहले। हाय, हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे हैं, हाँ, एक नंबर। एक नंबर, खुश है कि नहीं? खुश। खुश ना, आप खुश है कि नहीं? हाँ, बहुत खुश ना। एंड आज जो है, आज एक चैलेंजिंग वीडियो बनाने वाले हैं हम। मम्मी जी आज एक चैलेंजिंग वीडियो बनाने वाला, आपका खाना और मेरा खाना, साउथ चाइनीज दोनों फूड चैनल चैलेंज है मम्मी जी के साथ में आज। हाँ, अगर आप हार गए तो क्या होगा? आप हार गए तो इनाम देना पड़ा लो। अगर, अच्छा जो हारेगा वो इनाम देगा, ऐसे। हाँ, चलो ठीक है, आज देखते हैं जी दोनों फूड चैलेंज है, जो हारेगा बोला मम्मी जी बोले वो इनाम देगा। चले बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये देखिए बाहर का वेदर इस तरह से। सो गाइस, अभी मेरे ये देखिए हेड पे जो है तिलक लगा है, और ये बच्चे का बर्थडे है। शंकर क्या नाम है इसका? हाय बोल, बोला इधर। हाँ, तो उसका बर्थडे था, उसे आया बोला मेरा ऐसे, हमारा घर इधर है, इनका घर इधर है। तो बोलता मामू, मामा मामा बोलता, तो मैं बोला ओ मामू, तब ये लेके आया। तो चले बने रही, गाँव में बर्थडे भी ऐसा होता है, देखा वो मिठाई बांट रहा है। सो फाइनली गाइस, ये इनका बर्थडे है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम तेरा? ये को एक नाम क्या बस सुनो, ये बोल दे नहीं, नो है नैतिक, नैतिक नैतिक, ये शंकर है नैतिक है ना। आपने अपने लड्डू खा रहे, अकेले खाना, अकेले खाना देख। सो गाइस, अभी यहाँ जो है मेरे गांव में इस तरह से, और ये मेरा जो टीका लगा है वो टेढ़ा लगा है, एक का बर्थडे था। एंड ये देखिए हर जगह जो है ना, ये फ्रूट जो है, जैसे काकड़ी हो गया, काकड़ी को काकड़ी बोलते हैं हमारे इधर, और जो लमेंडा अमेठ इस, और इसको बोलते हैं पिटाड़ू, ठीक है। वो देखिए लमेंडा का पूरा पेड़, वो जो पौधा है ना, वो पेड़ पे चढ़ा है पूरा लग लो इस तरह से। सो गाइस, अभी हमारे इधर मक्का भी हो गया, ये देखिए, ये मूंगरी बोलते हैं हमारे इधर उसको, मकाई को, ये देखिए इस तरह से देखो ये, और यहाँ पे केला भी है। तो ये मकाई जो है, हल्दी जो है, एटलीस्ट 4 से 5 दिन में पूरा रेडी हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रहा था कि गोभी भी है, ये देखिए ये टमाटर का पेड़ है, टमाटर लगा है, और वो साइड में गोभी, इधर मिर्ची है, ये गोभी खराब हो चुका। सो गाइस, ये देखिए हमारे गांव के मार्केट का एरिया है, इसको बोलते हैं मंदार मेन मार्केट में, ठीक है। तो चले यहाँ, ये भी एक शॉप था लेकिन यहाँ पे अभी चाइनीज नहीं है, तो आगे चलते हैं। एंड सो फाइनल गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये एरिया का नाम बोलते हैं एक्चुअली में, वो जो है सॉरी चांठी है, और ये बोलते हैं बर्थर रोक, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मम्मी जी के साथ में, वो कपड़े धोने वाला, तो वहाँ पे गए थे हम लोग ऊपर इसके बीच में, और उसको बोलते हैं छाड़ा मती, ठीक है। और इसके बीच में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया किया था।
सो गाइस ये देखिए यहाँ पे हमारे गांव में ये अभी भी खेती है, ये गोभी का खेती दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सुंदर दिख रहा है मेरे को वो भी। और ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ धान, ठीक है, जिसको बोलते हैं हमारे गांव में उसको बोलते हैं नाच, ये वाला। ये देखिए इतना बड़ा हो गया एंड 2-3 महीने के अंदर जो ये डन हो जाएगा, ये पूरा ऑलरेडी होने चालू हो गया, इसमें सीड्स एंड बीज जो है निकलना चालू हो गया उसके दाने। ये सो फाइनली गाइस मेरा जो है पार्सल इसमें है, ठीक है, इसमें चाइनीस एंड हमने लिया यहाँ से। वहाँ पे एक्चुअली म्यूजिक बज रहा है तो कॉपीराइट का इश्यूज है, इसकी वजह से जो है मैंने, और ये भी हमारे गांव में और मेरे चाचा का लड़का और ऐसे भाई बंदी है मतलब, ठीक है, तो उसकी दुकान है। और इसको बोलते हैं बेंगला में डाल रो, ठीक है, और ये रहा बर्थ रो। तो चले अब मिलते हैं डायरेक्ट मम्मी जी से, डायरेक्ट घर पे। और चैलेंजिंग वीडियो अगर बोला जो हार गया, मम्मी जी ने बताया वो गिफ्ट देगा, जो जीत जाएगा उसको गिफ्ट देगा हारने वाला, ठीक है। देखिए कुत्ता किस तरह से। सो फाइनली गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ, देखिए मम्मी जी जो है ये चैनी से है हमारा, और उधर जो है अपना देसी स्टाइल खाना जो गाँव का है ना। तो ये रहा टमाटर केचप, और मम्मी जी जो है अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको कौन सा पसंद है, ये वाला खाना पसंद है कि वो वाला है? सो अच्छा अच्छा ये टमाटर के जब, क्योंकि हमारे गांव में इतना क्या बोलते हैं जैसे शहर में है ना, वो उस तरह से नहीं है, तो फिर इसके लिए शॉप कीपर ने मेरे को इस तरह इसमें पैक करके टमाटर के चप दिया। ये रहा टमाटर के चप, देखिए इस तरह का टमाटर के चप आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये भात और दाल, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोडिंग के लिए रखा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ अंदर जो है टावर नहीं पकड़ते, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, तो ये मेरा फ़ोटो है। और ये देखिए अभी 4 मिनट और बाकी रह गया इसमें, देखिए और देख रहा हूँ खुद, ठीक है। ये यहाँ जो है बाहर की तरफ थोड़ा नेटवर्क आ जाता है, और ये रही हमारा भात और उसमें मम्मी जी, ठीक है चले। सो गाइस मेरा आपका तो खत्म हो गया, देखिए मम्मी जी का जो है प्लेट्स खत्म हो गया, ठीक है। एंड अभी मेरा बारी है, तो ये देखिए मेरा इतना है, तो 50-50 हुआ, ठीक है। तो मम्मी जी आपको टेस्ट लगा कि नहीं? अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो जिसने बनाया उसको बोला धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वो दुकान में बनाया एक्चुअली, वो हमारे गांव का है, यानी गांव में क्या होता है कि जैसे कि आप गांव में रहते हो तो रिश्तेदारी में मतलब गाँव खोलेंगे तो उसको बोलते हैं हम चाचा बोलते हैं ना उसको, हाँ दीदी बोला मतलब बड़ा भाई बहन, भाई भैजी बोला, अच्छा भैजी हो गया बुला, बड़ा बोला बोला हाँ भैजी हो गया मतलब बड़ा भाई, और बुल्ला मतलब छोटा भाई, अच्छा ना। और जो उनका पापा है उनको हम चाचा बोलते हैं, चाचा बोलना, हाँ तो ऐसे ऐसे गांव में होते हैं। तो चले मैं ये ख़त्म करके फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा आपको टेस्ट बराबर लगा कि नहीं? अच्छा लगा, एक नंबर एक नंबर। अच्छा और क्या आपका गिफ्ट किधर है फिर, आप हार गए तो गिफ्ट है? हाँ
असूज मतलब ये कौन सा महीना फिर असूज बादों अभी कितना महीना बाद दो महीना बाद एक एक महीने रही है अभी एक महीना रही है क्या मुंगरी रखी है क्या मुंगरी काकड़ी लमेना करेला अच्छा तो ये मेरा गिफ्ट है देख क्या क्या गिफ्ट है मैं सोचा कुछ पैकिंग कुछ मिलेगा काकड़ी मुंगरी मिल रहा गाँव में ऐसे होता है भाई ठीक है चले तो खा के मिलते फिर आपको जो है सो फाइनली गाइस हमारा लंच हो चुका है और देखिए हमारा जो आज नूडल लेके आया था मैं चाइनीज जीता तो मैं मम्मी जी बोले कि मैं जीत गया लेकिन गिफ्ट की तरह पता नहीं तो ये रहा हमारा जो है एक्स्ट्रा राइस भात बोलते हैं हमारे इधर तो बच गया अच्छा जीता मैं कितना तारीख गिफ्ट दोगे ये तो वादा करो पहले कितना तारीख गिफ्ट मिलेगा मेरा कति दिन माँ 25 ना ना गिफ्ट कब मिल रहा मैं हाँ बोलो हाँ तो मैं बोल दे रहा ना दादा कब मिले तारीख गाइस मैं एक बात बोला कि मैं जा रहा हूँ सॉरी मतलब थोड़ा काम है तो बोलते कि तू जब जाएगा तब गिफ्ट मिलेगा ये कैसा बात हुई ये मम्मी जी पानी थी है अच्छा तो फिर ये गिफ्ट बोल गए लो जी चलिए आपके फ्रेंड्स को बाय बोल दीजिए बोला बाय 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 सो गाइस थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बोला लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक से ठीक करो मम्मी जी है थोड़ा है ना चलिए तो